ठीक है। 10 साल में पहली बार एनिवर्सरी बाहर सेलिब्रेट होगी। हाँ, 10 साल में पहली बार होगी। जल्दी अपना ट्रिप बनाएंगे बढ़िया बेहतरीन सा, या तो बर्फ में या फिर रेगिस्तान में। पर तारा करता निमटा ना निमटा आइटम तेरल तेरल नजारे चलेंगे। हाँ, ये और दो रही नहीं, वहाँ भी कह रहे थे ना जैसलमेर चलेंगे। इंस्टा से कितनी अर्निंग हो रही है कितनी अर्निंग नहीं हो रही है तो आपको इस ब्लॉग में पता चली गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आपका भाई गौरव डेडा फिर एक बार आपके सामने आते एक नए ब्लॉग के साथ में। हैं, आपकी कार है? ओहो, आपकी कार तो बहुत अच्छी है। मैं लाया था। अच्छा जी, तो भाई देख लो हमारे ब्लॉग की शुरुआत भी कांच करवा देता है। हमारे ब्लॉग की शुरुआत ही कांच करा देता है कुछ ना कुछ बात बोल के। हैं, क्या कह रहे हो? हाँ जी, और भैया देख लो आज हमारे जानू का दोस्त आया, हमारा भतीजा विनायक। और मेरा वैसे तो कजन है लेकिन स्कूल में दोस्त है। अच्छा, वैसे कजन है वैसे दोस्त है। चलो बढ़िया, ठीक है। ये स्कूल में क्या करता है बताओ, इसकी कंप्लेंट बताओ। चलो, हिंदी मैम से डांट खा के आया था। कौन सी मैम से? मैम ने बोला था इसमें आज जो बातें कर रहा था ना, कह रहा था मैम ये बात कर रहा है वो बात कर रहा है, तो मैम ने बोला किस किस का हो गया, सबका हो गया। इसने बोला मैम मेरा नहीं हुआ। इसने बोला, मैम ने बोला आज पड़ोस की खबर तो सुना रहा, काम तो कर लिया था। अपने बताता दूसरे की बताते हो ना। तो जी आज पता है क्या हुआ था? आज उसको डांट पड़ी थी ऐसे बोलते हैं। तो फिर आज इसको चाटा पड़ा था मेरे को। अच्छा, मतलब ये बात भी कैमरे बोल दी। तो भैया आज देख लो कैमरा पर आज खुल रहे हैं जानवर विनायक के, मतलब ये सामान पमान भी। पर तारा करता निमटा ना निमटा एक आइटम। ऐसे मत बोलो, मैंने खर्चा नहीं किया, ठीक है ना? ऑनलाइन ओ दे यू भी ऑनलाइन। हाँ भाई, अभी तो भाई इतने पार्सल खर्चा थोड़ी किया है। खर्चा ये और है का यू? पैसे बचा रही हूँ आपके। हाँ, पैसा बच रहे हैं, ये तो फ्री में। और क्या फ्री में ये? फ्री में है, फ्री में है ये। इंस्टा से? और क्या? अच्छा जी, सही बता, इंस्टा से? हाँ, इंस्टा इतना दे रहा भाई? भाई देख लो इंस्टा वाले कितना दे रहे हैं, देख लो जी इंस्टा वाले कितना दे रहे हैं माल। तो इन मेरे खरीदा है मैंने। कहाँ होगा तो बता देंगे, तो कहाँ हो जाएगा ना? ना अगर दे भी रहे तो कहाँ होगा? झूठ की बोल रहे, मतलब मैं झूठ नहीं बोलती। बिल दिखाई जाएगा, कहाँ बिल? खरीदा है मैंने ये। अरे बार तो बताई होगी तुम्हें। ये देखो क्या खरीदा है। कहाँ दिखाई? बिल दिखाई? अरे बिल ना, देख लो फ्री की बात ले रही है, फ्री की बात ले रही है। इंस्टा से कितनी अर्निंग हो रही है कितनी अर्निंग नहीं हो रही है तो आपको इस ब्लॉग में पता चली गया होगा, ठीक है। फुल मौज ले रहे, रोज पार्सल आ रहे दबादब। भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं। अब आप सोच रहे शाम को 6 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहे तो खत्म कब करेंगे? आज ही खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज की कोई टेंशन नहीं है। अपना 10-15 मिनट जितना ही बनेगा उतना बना के इस ब्लॉग को आज ही खत्म करके और आपके सामने पेश कर देंगे। तो बस भाई फिलहाल अभी चलते हैं घर से, और 2-3 जगह जाना आज भी यार, मतलब शादी ब्याह है हमारे गुजरों में, इतने साए हो गए ना यार, रोज आए दिन कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे। इवन आज पता क्या हुआ मेरे साथ, गाजर का हलवा रखा घर में, यानी कि मुझे देना मैं भी खा लूंगा। शादी में खा खा के तुम्हारा पेट ना भर रहा, तुम ना खा रही शादी में? और क्या, तुम ना खा रही? अब नहीं जा रही हमारी शादी 1 तारीख को खत्म। सही मजा ले रही हो? शादी में जाओ कोई दिक्कत नहीं, जरूरी किसी ने बोला है खाना है। अच्छा बताओ तो तुम क्या कर रही शादी में? जाकर वेट बढ़ रहा है, 2 किलो बढ़ गया, 3 किलो बढ़ गया। तो बढ़ गया भाई, सही में देख यार, वेट तो बढ़ गया, इतना वेट बढ़े। अरे यार कहा करो फिर, देख करो कर जाता खाए लोग लो। जाओ और खाओ पियो ना भाई, दो बात है ना कैमरा के सामने ही खा, मैं तो खा है, हमें कोई कमी थोड़ी है। ये मत बोलो वेट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घटा देंगे। क्यों भाई, सच बताइए। चल मैंने अभी 1.5 साल पहले कितना वजन कम करा? अभी क्या कह रहे थे आप? वो थोड़ा अच्छा, पहले वो बता, थोड़ी तारीफ भी तो होनी चाहिए। नहीं तारीफ करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप नहीं करनी चाहिए ना तारीफ, तो भी दूसरा करे तो अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ तुमसे, बुलवा रहा हूँ, बुलवा
मत बताओ भाई, कोई बात नहीं भाई, मैं खुद ही बताया था। मैं खुद ही बताया था। आपने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? क्या बोला था? मोटर पतले की बात चल रही थी जब मुझे आप मार रहे थे। तो तुम कह रही मैं अपने घर से खा के होगी रही। मैं तो अपने घर से ही ऐसा आई। मैंने कहा यार हम पत्र दुबले बाटम। हाँ जी ठीक है ठीक। हाँ तो ये तो भाई अपने से भैया मोटे ताज जाए, हम पतले दुबले हम मोटे कर दिए। हाँ खुद तक खावे ना उन मालन ना। इतनी टोट मारी ना कि मैंने बोला मैं पतली होंगे सब मोटे। जा चली जा 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 चली जा चली जा। चलो भाई अपने जो साय हैं गुजर वाले हमारे जो चलते रहते भाई कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो वो भाई आज भी हैं। तो फिलहाल अभी निकलते घर से, आज एक बड़ी दिक्कत भी है अपने साथ, कहीं आने जाने की समस्या है बहुत तकड़ी, वो भी बताऊँगा आपको इसी ब्लॉग में। फिलहाल अभी घर से निकलते हैं, एक काम है पहले उसको कर लेते हैं और अपना ऑफिस तक जाके वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ काम है उसे निपटाते हैं, फिर आगे का जो भी हमें फंक्शन वंक्शन अटेंड कर रहे हैं वो भी करेंगे। चलो भाई बाय बोल दो सबको। बाय बोल दो। फिर मिलूंगा। इधर देख के बोलो फिर मिलूंगा। तो भाई फाइनली पहुँच गए अपने ऑफिस पर, तो अपने दो चार काम है उन्हें निपटाते फटाफट से। ठीक हाँ भाई अंकित, और चला दावा तो बन जा रहा कहीं? ना भाई कहीं नहीं जा रहा। कैसे पढ़े रहो हर टाइम? चलो नो बताओ आप घूमने कहाँ जाए जा? बर्फ में जावे या रेत रेगिस्तान में जावे, कहाँ जावे? डल झील। डल झील जाए जा? अभी तो हो कहा डल झील? कश्मीर गया ना अभी मैं। कब गया? अभी तो देख रहा ये ब्लॉग बोल रहा है बाद देख रहे ब्लॉग यहीं बैठ के। अरे बोल जावे याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है। एक चीज याद रहे कहाँ जाए जा सही बताओ। अंडमान निकोबार। भैया तो आर पार की बात कर दी कतई। चलो हाँ अभी चले जाएंगे, अभी अभी फिलहाल की तो बता। सब जगह तो घूमे गोवा भोवा तुम सब जगह हो आप कहाँ जाओ? अब बाहर बताओ कुछ बाहर। वैसे गोवा का ब्लॉग ना बना वैसे जा दो बैंकॉक। अच्छा चलो ये बताओ वैसे बर्फ में जाना ठीक रहेगा या फिर बैंकॉक सबसे बड़ी बैंकॉक? यार मैं ना भाई अपने देश में घूमना ज्यादा पसंद करता हूँ। इंडिया तुमने सारी घूम ली, इंडिया से बाहर जाओ। मुझे सबसे बढ़िया जो है ना अपना यही घूमने में मजा आवे। बाहर भी जाएंगे कभी जब टाइम हो जाएगा, जब कतई हो जाएगा। तुम सब घूम चुके हो भाई। केरला चले जाओ। केरला साउथ उत्तराखंड सारा घूम लिया। बर्फ जम्मू कश्मीर सारी घूम ली। बॉर्डर पे चाइना के बॉर्डर पे। पर नू समझ में नहीं आ रही जावा कहाँ। एक दिमाग कह रहा बर्फ में चला जाऊं, एक दिमाग कह रहा राजस्थान में चला जाऊं। अब तो पड़ रही है बर्फ। और बर्फ सब जगह मैंने भाई इंस्टा पर डाली, इंस्टा पर 80% लोगों ने लोग कि भाई बर्फ में जाओ। बगदाद गए थे अभी तो बर्फ में जाओ भाई। बगदाद लोगों की लद्दाख। हाँ लद्दाख में गया था पिछले साल, गया था इस साल तो नहीं गया। तो आए थे ना वो पर बर्फ। अब इस टाइम लद्दाख जाने का टाइम नहीं है ना ये। आप वहाँ निकल जाओ शिमला को। शिमला शिमला ये रहा 25 दिसंबर में सुनो फोन। तो भाई यूँ समझ में आ रही जावे कहाँ कहाँ जावे कहाँ ना जावे। पर देखो चलो फिलहाल जैसे भी होगी आपको पता चली जाएगी। जल्दी अपना ट्रिप बनाएंगे बढ़िया बेहतरीन सा, या तो बर्फ में या फिर रेगिस्तान में। हालांकि मैं आपको बताऊं मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी तो उस पर अपने जितने ही फॉलोवर है तो सबने 80% लोगों ने बोला कि भाई स्नो में जाओ बर्फ बर्फ में। तो चलो देखते जैसा भी होगा भाई आपको बताएंगे फिलहाल तो। और इंस्टा पे फॉलो वॉलो कर लो ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे कहाँ जा रहे कहाँ ना जा रहे सारी चीज़ें। ठीक है ना फिलहाल अभी बस यहाँ बैठे थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे, उसके बाद फिर देखते आएगा जो भी रूटीन होगा दिखाएंगे आपको। ये कहाँ का है? तपोवन यूपी का, उत्तराखंड का। मनाली या ऋषिकेश जाना हो? हाँ हाँ हाँ। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। इस नंबर पे मेरा नाम दे देना। स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अरे अच्छा यूके में और मनाली में दोनों जगह सेम प्रॉपर्टी है इनकी? हाँ कपल इन नाम से। एक्चुअली ये ना पैन इंडिया में ओपन कर रहे हैं। अच्छा तो वो अभी फिलहाल ऋषिकेश में तपोवन में है और उसके ऊपर जाओगे शिवपुरी मिलेगा आपको। वहाँ पे तो मनाली में चलो ठीक है। मैं एक बार देख रहे अभी वही प्लान कर रहे हैं कहाँ जाए कहाँ ना जाए, तो जल्दी में ही देखेंगे इनको परेशान करेंगे और आपको भी करेंगे। ये हमारे चिंटू भाई, इनके हमारे जस्तू भाई,
नाश्ता चल रहा जी, गैस्टर मारे दोनों के दोनों। अगला हमारा अपकमिंग दूल्हा जी, कितनी तारीख को भी उनतीस जनवरी तो भैया तैयारी कर लो दावत की 29 जनवरी की। हाँ हमारे जस्ट भाई को हमारा भी टाइम हाँ मतलब जल्दी करवा दो तेरा भी है लगे हाथ है। तो भैया आज आ रखे हम इधर अपना एक प्रोग्राम में, बुरा खाना आ रहा है आज हमारे, तो बुरा खाने के प्रोग्राम में आ रखेंगे। चल रहा नाश्ता गरम गरम दूध बढ़िया, ये देख लो काजू बादाम रात तो लपेट दिए पकौड़ी तो। सो भाई रात को अपना एक दो जगह गए थे पार्टी में, बट टाइम ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं लगा आ रहा था। जब साथ में लोग होते ना तो फिर इन्जॉयमेंट चल रहा होता है, तो बस इस टाइम फिर मैंने ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। और आज का दिन है 9 दिसंबर, और आपको मैं बताऊँ कि कल 10 दिसंबर है, कल हमारी भाई शादी को भी ना 10 साल हो जाएंगे। सो कुल मिला के दिन तो बढ़िया ही चल रहे हैं, खैर जो भी जैसा सभी देखो अभी सोके उठे हैं, चाय वाय पीते हैं अपना। और मैंने जैसे कि आपको बोला था ना कि अपने को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है अभी, तो वो पता है क्यों, अपनी जो गाड़ी है ना वो हमसे हो चुकी है दूर भाई। घर से जब एक मेंबर कोई कहीं चला जाता ना तो वो ये भाई दिक्कत तो होती ही होती है, तो भैया बस उसे ही मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और तो खैर कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अभी नहाएंगे धोएंगे फिर उसके बाद निकलेंगे घर से, और आज अपने शेरनी को वापसी लेकर आएंगे, वो गई है सर्विस पे, तो सर्विस पे सर लेकर आएंगे। उसमें काफ़ी सारी कुछ दिक्कतें हो रही थी 2-4, तो इस वजह से मैं छोड़ के आ गया था। अदरवाइज नॉर्मली सर्विस तो खैर हो जाती है ऐसी, पर थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम थी तो वो उसके लिए गाड़ी छोड़नी पड़ती, तो इसलिए भाई छोड़ के आ गया था। बट आज जाएंगे अभी गाड़ी को लेने के लिए भी। मेरे लिए चाय लेके आओ, जल्दी जाओ, चाय खत्म हो गई और बनवा कर लेके आओ। मैं पी गया। आप पी गए यार, आप तो बहुत गंदे बच्चे हो दोनों के दोनों हैं। चाय पी गए मेरी, पिटाई करूंगा अभी आपके, रुक जाओ। लो भाई अपनी चाय आ चुकी है, आप चाय वाय पीते हैं साथ में, पापे खाएंगे और उसके बाद फिर अपना नहा धोकर निकलेंगे घर से। तो कहाँ चल रहा है एनिवर्सरी पे, कहाँ जा रहे हम? तुम बताओ कहाँ चल रहा, कपड़े वपड़े पैक कर लेना करे। चल रहे हैं, सुबह सुबह उठते ही चल रहे हैं, तो कपड़ा तो पैक वैक कर लो। करेंगे अभी, कर लो जेड पैड, फिर मैं सरप्राइज देगा सबको। 10 बजे तक निकलेंगे आराम से, तो जेड पैड अपना पहले कपड़े वपड़े पैक करो, फिर उसके बाद निकलते हैं। जा कहाँ रहे हो उसके हिसाब से कपड़े रखूंगी ना, सर्दी ये के? तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है, इनके लिए सरप्राइज, सर्दी है तो सर्दी के रखोगे। अरे सर्दी के तेरे तेरे ना जा रहे, चलेंगे यहाँ ही और दो रही नहीं, वहाँ भी कह रहे थे ना जैसलमेर चलेंगे। हाँ तो जब भी तक कह रहा हूँ अपना, तुम सर्दी के हिसाब से कपड़े रख लो, एक एक दो दो जैकेट, ठीक है? तो भाई आपके लिए भी सरप्राइज है और बेबी के लिए भी सरप्राइज है, देखना आप जाएंगे कहाँ। तो बस इसी के साथ बने रहना, ब्लॉग देखने देखते रहना, आगे के भी हमारे जो भी आएंगे। चलो 10 साल में पहली बार एनिवर्सरी बाहर सेलिब्रेट होगी। हाँ 10 साल में पहली बार होगी, 10 साल में पहली बार, पहली बार हो रही है भाई एनिवर्सरी सेलिब्रेट। बता देते तो उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े रख लेते। अरे तो कोई बात ना, क्या होगा, अब तुम अपने कपड़े रखो, मैंने बताया सर्दी वाले जगह चलेंगे, ठीक है? बाकी डिस्क्लोज करेंगे जब हम घर से निकल जाएंगे, जब तुम्हें बताऊंगा जब इन सबको बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो चलो भाई कर देते हैं अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड, और मिलते हैं अब आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी। कॉम बहुत है भाई, अभी नहाना है धोना, उसके बाद गाड़ी लेके आनी है, गाड़ी लेके आकर फिर भाई घर से भी निकलना है, तो जो भी जैसा भी होगा